हेलो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं यार बाइनरी सर्च के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एंड बाइनरी सर्च स्टार्ट करने से पहले एक एक्सपेक्टेशन आपसे कि आपको बाइनरी सर्च लिखना आना चाहिए, सिंपल बाइनरी सर्च। एंड ये ट्यूटोरियल देख सकते हो अगर थोड़ा बेसिक्स क्लियर नहीं है, बट अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सर्च यू नो बैठा नहीं कह रहे, स्टार्ट करते हैं अपने गोल्ड व्यू। ज़्यादा अच्छा लगता है वो करेंगे, ठीक है। तो अपने को एक गिवन मतलब आई थिंक कि आपको क्वेश्चन पता होगा, काफी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है, आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इंक्रीजिंग नंबर्स है एंड देन फिर डिक्रीजिंग नंबर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, फिर 2 और 1, कुछ ऐसा सा, ठीक है, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, ओके। और अपने को उसके अंदर हमें लॉग इन टाइम के अंदर और एक एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। बाइनरी सर्च में तो सिंपल होता है कि अगर तुम्हें जिस एलिमेंट पे हो उस अगर वो छोटा है तो लाइक मूव इन राइट और अदरवाइज मूव इन लेफ्ट, मतलब सिंपल होता है। बट इसके अंदर यू डोंट हैव अ चॉइस, यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है कि कहाँ मूव करोगे। अगर आप किसी एक मिडल पॉइंट पे आ जाते हो तो जैसे 20 आई नीड टू सर्च, लेट्स से 10 पे आता हूँ मैं, ठीक है। अब 10 आई नो 20 से छोटा है, ठीक है, तो मैं राइट में चला जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैं राइट में चला गया, तो यहाँ पर मुझे जैसे इसका इंडेक्स रिटर्न कराना है, हाँ इंडेक्स रिटर्न कराना है, और 30 जिसे इसके अंदर नहीं है तो मेरे को -1 रिटर्न कराना है, ठीक है। ये केसेस क्लियर है। अच्छा अब आ जाओ यार क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि क्यों हम इसको सिंपल बाइनरी सर्च से नहीं कर सकते हैं, क्या दिक्कत आएगी बेसिकली, जस्ट वो देखते हैं एक बार। पहले तो एक बार मैं ये सेलेक्ट कर लूँ अपना, ठीक है। अब एक टेस्ट केस ले लेते हैं यार स्टार्टिंग में सबसे पहले, तो ताकि हम एक फेयर एनफ आइडिया लगा पाए। जस्ट लेट्स से 1 6 8 12 14 10 and 4 है, ठीक है। तो अब मुझे इस पे लेट्स से ढूंढना है 4, ठीक है, लास्ट एलिमेंट है, मुझे 4 ढूंढने का है। अच्छा मैं आ जाता हूँ 12 पे, ठीक है। अब मेरे पास क्या चॉइस है यार, 12 मेरा 4 से बड़ा है, ठीक है, 4 से बड़ा है तो इसके लेफ्ट में होना चाहिए था जनरल बाइनरी सर्च में। बट मैं क्या कह रहा हूँ, राइट में भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि यार 14 मेरा बिगेस्ट एलिमेंट है, इसके राइट में इससे स्मॉलर है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर चॉइस नहीं कर सकते कि मैं लेफ्ट में मूव करूँ या राइट में मूव करूँ, तो थोड़ा सा ही सिंपल बाइनरी सर्च से डिफरेंट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब आपके अंदर क्या अप्रोच आनी चाहिए दिमाग में कि यार मैं इसको ना एक सॉर्टेड ऑर्डर में समाओ अरेंज कर पाऊँ और फिर उसमें मैं तो बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। हाँ तो आप सही सोच रहे हो। अब क्या है तो मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे निकालूं, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसका मैक्सिमम एलिमेंट लेट से निकाल लिया, ठीक है, सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली मैम, कि मैंने इसका मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया। अब मैक्सिमम एलिमेंट से जो भी लेफ्ट में होंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में असेंडिंग, मैक्सिमम एलिमेंट से जो भी राइट में वो है डिक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर, और दोनों पे मैं अलग अलग बाइनरी सर्च मार देता हूँ। 4 4 खत्म, इजी क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। अभी इसके अंदर मैं और धीरे धीरे ऑप्टिमाइजेशन करके आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा, बट हाँ कुल मिला के अगर आप सॉल्यूशन की बात करो तो वो यही है, अपना मिडल फाइंड करो जो कि मैक्सिमम एलिमेंट है, उसके लेफ्ट के लिए एक बाइनरी सर्च बनाओ, उसके लिए राइट के लिए एक बाइनरी सर्च बनाओ, दोनों के लिए बाइनरी सर्च कॉल कर दो, जहाँ से आंसर आता है रिटर्न मार दो, नहीं आता तो -1, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि यार इसको थोड़ा इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम निकालना, ठीक है, बाइनरी सर्च तो लिखना आई थिंक इजी है, कोई ऐसा सीन नहीं है बाइनरी सर्च में, बट जो बताने वाली बात है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा तो लाइक ये मेरे को इंडेक्स निकालना है, ठीक है, सच दैट कि मैं बाइनरी सर्च पास करता हूँ। अच्छा इसकी कंडीशन क्या है कि मेरा लेफ्ट वाला मेरे से छोटा होना चाहिए, राइट वाला मेरे से छोटा होना चाहिए, प्रीटी इजी, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँ, सिंपली मेरे को दो काम करने हैं यार यहाँ पर। अगर मेरा लेट से मैं एरे रख लेता हूँ, अगर मेरा इसकी जो मिडल वैल्यू है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन ए आर आर मिड -1, ठीक है, एंड ए आर आर मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर मिड +1, ठीक है। तो मतलब मेरा यहाँ पर एक पॉसिबल आंसर हो सकता था, एक सेकेंड रुको, बस मिड +1, तो मैं यहाँ पर एक मतलब एक मेरा इंडेक्स मिल गया मेरे को, ठीक है, इंडेक्स मिल गया मेरे को यहाँ पर विच इज मिड, ठीक है, मेरे को इंडेक्स मिल गया दैट इज मिड, थोड़ा कट गया बट हाँ मतलब समझ गए होंगे कि मतलब
बेसिकली लेफ्ट राइट को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं मूवमेंट कैसे करूंगा? प्रॉब्लम वहां से थोड़ी सी मतलब है वहां पर, कि मतलब जैसे मैं यहाँ पर हूं तो मैं कहाँ मूव करूँ यार, मुझे क्या पता। सिंपल है, वो भी सिंपल है, क्या अपने प्रीवियस को चेक कर लो, अगर वो मेरे से छोटा है देन मतलब राइट में मैक्सिमम, अगर वो यहाँ पर है, अगर मेरा मिड माइनस वन बड़ा है, तो मतलब वैसे तो एक ही चेक लगा लो कि लाइक मिड पे हो और उससे छोटा, प्रीवियस वाला उससे छोटा है तो राइट में मूव करो, एल्स हाई को मूव कर दो। तो आई थिंक वो भी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसका कोड हम डायरेक्टली लिखते हैं और आ जाओ सर, इसका कोड लिख लेते हैं। आई थिंक प्रीटी इंट्यूटिव सा हो गया अब तो। रिक्वायर्ड int n, सबसे पहले मैं इसका साइज निकाल देता हूँ, ठीक है। एक मैं लो और हाई बना लेता हूँ, लो एंड हाई बना लेता हूँ, एंड एक हाई इंडेक्स बना लेता हूँ जो मुझे चाहिए, हाई इंडेक्स जो कि लेट्स से 0 है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में ऐसे रैंडम ले लिया। और व्हाट आई नीड टू डू इज फाइंड मिड, तो लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। हाँ, आप हाई प्लस लो बाय 2 भी लिख सकते हो, ये जस्ट मैं जनरली करता हूँ ताकि ओवरफ्लो की कंडीशन ना हो, क्योंकि हाई प्लस लो क्या पता इंटीजर रेंज से बाहर चला जाए, यहाँ पे नहीं जाएगा, बट स्टिल आई डू दिस, ठीक है। ARR मिड की वैल्यू, ARR मिड माइनस वन से बड़ी है, एंड ARR मिड की वैल्यू ARR मिड प्लस वन से बड़ी है। तो सबसे सिंपल काम हो गया था यार, हाई इंडेक्स मेरे को मिल गया, हाई इंडेक्स मेरे को मिल गया, दैट इज मिड, एंड आई कैन इजीली सेफली ब्रेक, ठीक है, मेरे को मिल गया। अच्छा, अब अगर मेरा मिड माइनस वन दैट इज स्मॉलर देन ARR मिड, इसका मतलब क्या है कि मैं लेफ्ट वाले असेंडिंग ऑर्डर में हूँ अभी, तो मेरे को सिंपली क्या करने का, लो को मिड प्लस वन पे लेके आना, एल्स कुछ नहीं करना, हाई को मिड माइनस वन पे लेके आना। मेक सेंस कि अगर मैं लेफ्ट में हूँ और मेरे को भी आंसर नहीं मिला तो राइट में मूव कर लो, अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर वाले पार्ट में हूँ और मेरे को आंसर नहीं मिला तो लेफ्ट में मूव कर दो, जो कि हाई इक्वल टू मिड माइनस वन से होगा, ठीक है। तो अब मैंने एक बना लिया है अपना। अच्छा, अब मेरे को बाइनरी सर्च लिखना पड़ेगा यार, बाइनरी सर्च फॉर असेंडिंग एंड बाइनरी सर्च फॉर डिसेंडिंग, ठीक है, बाइनरी सर्च फॉर डिसेंडिंग, ओके। अच्छा, अब उसके अंदर मेरे को क्या क्या चाहिए यार, सबसे पहले तो एक एरे तो पास करना ही पड़ेगा। अब रिक्वायर्ड जो मेरे को रिक्वायर्ड है, और कहाँ से कहाँ तक मेरे को चाहिए, ठीक है, दैट इज लो से हाई इंडेक्स तक, ठीक है, जो कि मेरा हाई इंडेक्स है। अच्छा, सिमिलरली इसके अंदर रिक्वायर्ड और इसका लो क्या होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो हाई इंडेक्स बोल लेते हैं, हाई इंडेक्स एंड एन माइनस वन, रादर देन नहीं लो तो गलत हो जाएगा कि लो अपडेट हो जाएगा ना, तो 0 टू हाई इंडेक्स, मतलब थोड़ा सा अगर यहाँ पे दिखाऊं तो क्या हुआ है, ये मेरे पास इंडेक्स आ चुका, अब मैं इसको पास कर रहा हूँ ना, लो टू हाई इंडेक्स एंड हाई इंडेक्स टू एन माइनस वन, जो मतलब 0 टू हाई इंडेक्स एंड हाई इंडेक्स टू एन माइनस वन, ठीक है। तो दो बाइनरी सर्च अब मेरे को लिखने हैं, और यहाँ पे मैं एक ग्लोबली मैं एक आंसर बना लेता हूँ कि जहां से भी आंसर आएगा रिटर्न मार देना यार, ठीक है, एक आंसर बना लेता हूँ, स्टार्टिंग में इसको माइनस वन कर देता हूँ कि कहीं से नहीं आया तो माइनस वन तो अपने आप रहेगा, ठीक है। तो अब आ जाओ एक बार बाइनरी सर्च लिख देते हैं, void बाइनरी सर्च असेंडिंग विद वेक्टर इंट एड्रेस एरे, इंटीजर रिक्वायर्ड जो चाहिए लो एंड इंट हाई, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मैं एक लूप लगा दूंगा व्हाइल लो लेस देन हाई के लिए, एंड एक यहाँ पर एक मिड ले लूंगा, यहीं से कॉपी मार लेता हूँ यार, सी। और अगर ARR मिड इक्वल टू रिक्वायर्ड है भाई, आंसर को अपडेट कर दो विद मिड, रिटर्न मार दो यहीं से, ठीक है। अच्छा, अब अगर ARR मिड मेरा दैट इज लेस देन रिक्वायर्ड है तो मुझे कहाँ मूव करना चाहिए, राइट में मूव करना चाहिए, तो मैं अपडेट कर देता हूँ लो, एल्स मतलब मेरा ARR मिड बड़ा है तो मेरे को लेफ्ट में आंसर मिलेगा, तो हाई को मिड माइनस वन, ठीक है। तो ये मेरा बाइनरी सर्च असेंडिंग हो गया। सिमिलरली मैं बाइनरी सर्च डिसेंडिंग लिखूंगा, जस्ट अपोजिट कर दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा मैं इसके अंदर, लो लेस देन हाई, मिल जाता तो सही है,
अगर ग्रेटर है तो लेफ्ट में आंसर मिलेगा मेरे को, क्यों? क्योंकि यार ये मेरे वैसे है ना, क्या कहते हैं, मतलब अगर मैं मिड पे हूँ, जैसे मतलब मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, क्योंकि बेसिकली अपोजिट तो हम कह देते हैं, बट थोड़ा सा हम विजुअलाइज नहीं कर पाते ज्यादा अच्छे से डिसेंडिंग के केस में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक जैसे 10 है, आई नीड टू फाइंड 14, तो मेरा 14 बड़ा है तो मेरे को लेफ्ट में आंसर मिलेगा, है ना? सही बात है। और अगर स्मॉलर है तो मेरा यहाँ पर आंसर मिल रहा होगा, ठीक है? तो अगर मेरा, तो मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन लिखी है कि एरर मिड इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, ठीक है? इसको इसको अगर मैं हटाऊं तो हाँ ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो बेसिकली क्या हुआ है यार, मैं 10 पे आया हूँ, एंड 10 इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, नहीं यार 14 था, लेट्स से 14 था, ठीक है? तो 10 क्या बड़ा है रिक्वायर्ड से? नहीं, तो हाई को मिड माइनस वन कर दूंगा क्या? हाँ तो सही तो है यार। बेसिकली क्या हुआ है, 14 चाहिए था, यहाँ पर हूँ तो मैं इस वाले के अंदर जाऊंगा ही नहीं, और मैं हाई को कम कर दूंगा, तो ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। कुल मिला के बात यही थी, ये समझाने की कोशिश कर रहा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, बाकी कोई इशू होता है तो हैंडल करते हैं, बाकी सही सा लग रहा थोड़ा सा अभी तो। कंपाइलेशन एरर होता तो देखते हैं, कंपाइलेशन एरर ही है। अच्छा नाम चेंज नहीं हो रहा, DESC ये रखा था, देखते हैं एक बार। बाकी हमने यहाँ पे बेसिकली दो बाइनरी सर्च लिखे हैं ना, तो अब थोड़ा सा मैं इसको ऑप्टिमाइज करता हुआ जाऊंगा आपके साथ साथ, बट हाँ इनिशियली तो यही अप्रोच लिखेगा यार कोई भी, है ना? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यार ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या करते हैं यार, दो दो बाइनरी सर्च लिखना थोड़ा ना रिडंडेंट है, और इंटरव्यूअर बोल सकता है कि यार दो बाइनरी सर्च क्यों लिख रहे हो, अननेसेसरी कोड 50-60 लाइन का कर दिया तुमने, क्या एक बाइनरी सर्च में नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए जस्ट आपको एक चीज करनी होगी, आप कुछ भी भेज सकते हो, एक फ्लैग वेरिएबल है, कुछ भी भेज सकते हो, मैं कैरेक्टर भेज देता हूँ सी, ठीक है? और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मेरा सी, मैं ए से असेंडिंग को डिनोट करूंगा तो मेरे को ये काम करने का, ठीक, सी अगर असेंडिंग है तो मेरे को ये काम करना, ठीक है? एल्स मेरे को जस्ट अपोजिट ही तो काम करना था, यही तो मैं कर रहा था, मैं कुछ नहीं करूंगा यार, सिंपली अपोजिट काम कर दूंगा, हाई इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है? Else, low equal to mid plus one. बात खत्म, बस इतना सा ही काम था भाई, इतना सा ही चेंज था, और आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन अब खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा फंक्शन आप हटा सकते हो यहाँ से, और सिंपली क्या कर सकते हो, बाइनरी सर्च को ही कॉल करो, असेंडिंग डिसेंडिंग सब हटाओ, बाइनरी सर्च को ही बनाओ सिर्फ एक, और एक कैरेक्टर पास कर दो यहाँ पर, विच इज यहाँ पे ए पास कर दो और यहाँ पर डी पास कर दो, ठीक है? या कुछ भी और कर सकते, क्योंकि मैंने ए के लिए कंसिडर किया है। तो जस्ट आपने अपोजिट काम कर दिया यार, कि असेंडिंग के लिए तो आपने वही रख दिया और डिसेंडिंग के लिए आपने उल्टा कर दिया, जो कि हम बाइनरी से डिसेंडिंग में कर ही रहे थे ऑलरेडी, तो इसको और देख लेते हैं, तो आपका कोड काफी कम हो गया थोड़ा सा, है ना? मिस्टेक कर दिया यार, ये कंपाइलेशन एरर थोड़ा कर देता हूँ जल्दी जल्दी में। ठीक है, सही आ रहा है, सबमिट और करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब काफी लोगों को मैंने देखा है कि यार इसको ना सिंगल लूप में कर देते हैं वो लोग, ठीक है? थोड़ी सी और, अब और गहरी बात बता रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन इतना ही था, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बट और जो इंपॉर्टेंट चीजें जो काम आती है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं, एक वाइल लूप वाली नहीं, एक और बात करते हैं, जो कि जैसे इसने यहाँ पे दे दिया कि एक बायटोनिक एरे है, जिसका मतलब क्या है कि आपको स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, बट लेट्स से क्वेश्चन थोड़ा ऑप्टिमाइज होकर आ जाता है, विच इज कि या तो इंक्रीजिंग हो सकते हैं या सिर्फ डिक्रीजिंग हो सकते हैं या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकते हैं, तो उस केस में भी यही सेम ही काम करना है, बट थोड़ा सा अपडेशन क्या हो जाएगा यार, हमने जो यहाँ पर बिना मिड माइनस वन देखे और मिड प्लस वन देखे कि वो ओवरफ्लो नहीं कर रहे, वो हमने जो कर दिया है वो नहीं कर पाएंगे हम, हमें यहाँ पे चेक्स लगाने पड़ेंगे कि अगर मिड नॉन जीरो है तो कुछ काम करो, तो आई होप वो आप चेक्स लगा के देखोगे खुद से, ठीक है? एंड ये जरूर करके देखना, वन थिंग।
और हाँ आ सकता है ना यार, मतलब क्वेश्चन को जस्ट थोड़ा सा चेंज किया कि वो बाइटॉनिक का मतलब थोड़ा सा हमने ऑप्टिमाइज कर दिया बाइटॉनिक को, बस और कुछ नहीं करा, जिसके अंदर आपको दो तीन चेक्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, एक चेक यहाँ पे लगेगा एक्स्ट्रा और दो चेक्स यहाँ पे लग जाएंगे, एन है या जीरो है, ठीक है, तो वो दो चेक्स हो गया एंड आई थिंक आप वो हैंडल कर सकते हो। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि लोग कहते हैं कि लाइक इसको ना सिंगल लूप में सॉल्व करके दिखाओ, जो कि आई गेस शायद इंटरव्यू बिट वालों ने भी दे रखा है, आई थिंक उन्होंने दे रखा है। हाँ जैसे देख रहे हो अब ये इन्होंने दे रखा है, बहुत सही इन्होंने दे रखा है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ बहुत अच्छी, जैसे इन्होंने तो कर दिया कि यार एक बाइनरी सर्च में कर दिया, बट क्या एक बाइनरी सर्च में पॉसिबल है अगर आप थोड़ा सा भी थॉटफुली सोचो? आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। तो क्या इनका गलत है? हाँ यार गलत है इनका सोल्यूशन, और मैं दिखा सकता हूँ आपको एक ये कैसे गलत है। जैसे इसी केस की अगर मैं बात कर लूँ तो इन्होंने यहाँ पर ए मिड ग्रेटर देन ए, मैं आपको डायरेक्टली रन करके दिखा देता हूँ, फिर आपको गलती बताना थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यार ये ना लोग बहुत ज्यादा करते हैं, मैंने काफी लोगों को देखा है कि खुश हो जाते हैं ये सॉल्यूशन करके, बट ये गलत है, काफी गलत सॉल्यूशन है। 1, 6, 8, 12, और मैं गलती भी दिखाऊंगा इसकी क्या है, क्योंकि वही है यार जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी कि आप चॉइस नहीं कर सकते कि आप कहाँ जाओगे। 4, 5, 6, 7, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा भी यहीं पे डायरेक्ट दिखाने की कोशिश करूं तो यार एक बात बताओ, अगर आप 12 पे आ गए और आपको 4 ढूंढना है तो आपके पास चॉइस तो ये भी है और ये भी है, कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? आपने ये भी डिसाइड कर लिया ठीक है कि मैं असेंडिंग वाले एरे में हूँ, तो असेंडिंग वाले में भी हो सकता था, वो डिसेंडिंग वाले में भी हो सकता था, तो आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये गलत अप्रोच है। अगर किसी को स्टिल अगर कोई वाइल लूप वाली अप्रोच मिलती है या कोई कर सकता है तो डेफिनेटली कमेंट में बताना, आई विल पिन इट। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने -1 दे दिया स्टिल, बट 4 प्रेजेंट था। ठीक है, अब देखना मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा और आंसर शायद सही आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने अज्यूम किया होगा कि लेफ्ट में भेजो हमेशा। अब देखना आंसर शायद सही आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से इनके सोल्यूशन से। हाँ देख रहे हो सही आ गया। तो इन्होंने एक केस कंसिडर कर लिया कि लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ कि हाँ बी लेस देन मिड है तो डायरेक्टली मूव कर जाओ एंड -1 पे, या जो भी है मतलब उल्टा भी कर दो, तो गलत है, गलत है। ठीक है, आप चॉइस नहीं कर सकते यहाँ पे, आपको एक अलग या तो रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा या फिर एक बाइनरी सर्च का लूप अलग लगाना पड़ेगा। आई होप मैंने सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दी हैं, सारे अप्रोचेस बताने की कोशिश की है। स्टिल अगर किसी को वाइल लूप वाली मिलती है तो डेफिनेटली टेल, मैं पिन कर दूंगा और मैं मान लूंगा कि रहेगा आई वॉज रॉन्ग, बट ठीक है यार अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगा, सब्सक्राइब करना, काफी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी मैंने इसमें, काफी इजी क्वेश्चन था बट स्टिल यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बाइनरी सर्च का। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स, एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, इंस्टाग्राम लिंक्डइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर सकते हो।